हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिनी पिग के वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि कई लोगों का सवाल ये था कि गिनी पिग को वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, क्या इनकी वैक्सीनेशन होती है या नहीं होती। तो देखिए, जितने भी पैट्स हमारे पास होते हैं, डॉग, कैट, रैबिट और यहाँ तक कि रैट भी और गिनी पिग्स भी, इनकी भी वैक्सीनेशन होती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके एरिया में जो वेट है यानी कि एनिमल डॉक्टर, वो उतना काबिल है कि नहीं है। कई बार हमारे एरिया में अच्छे खासे क्लिनिक्स होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो रैबिट जैसे बड़े रोडेंट का यानी कि एक नॉर्मल साइज़ के पेट का वो इलाज नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि उनको न्यूटर तक नहीं आता है और वैक्सीनेशन के लिए भी वो लोग मना करते हैं, लेकिन होता है। अब मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई ऐसी ही क्लिनिक हो जहाँ पे गिनी पिग का वैक्सीनेशन या फिर ऐसी चीज़ें ना होती हों, और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 100 में से 80% ऐसा होता है कि बिना वैक्सीनेशन के गिनी पिग अपनी पूरी लाइफ जी जाते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि गिनी पिग्स आपस में अगर फाइट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर किसी को काटते हैं तो काटने पे इन्फेक्शन फैल सकता है, ये है। और इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए तुरंत हमें अपनी चोट को हाइड्रोजन परोक्साइड या फिर स्पिरिट से तुरंत धोना चाहिए। डिटॉयल अगर आपके घर में है तो भी चलेगा और कोई भी खास नुकसान नहीं होता है। हाँ, अगर गिनी पिग बाई चांस पूरा अडल्ट है और आपने उसको किसी बाहर के एरिया में रखा हुआ है, जैसे कि गार्डन हो गया या फिर आपका केज का सेटअप ही छत पे रहता है, तो अगर आपका गिनी पिग या रैबिट या फिर रैट बाई चांस बाइट कर लेता है तो आपको वहाँ पे प्लेग या रैबिट की एक इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। फिलहाल तुरंत बचने के लिए आपको एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ताकि 24 घंटे के अंदर जब आप रैबिज, प्लेग या फिर कोई भी इन्फेक्शन का इंजेक्शन लगवाने जाते हैं वेट के पास, तो आपको कोई ख़तरा नहीं रहेगा। रही बात पेट की, तो देखिए, आप अपने गिनी पिग को लगवाएं या ना लगवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गिनी पिग को इससे कोई भी खतरा नहीं है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको वैक्सीनेशन करवाएं, आप ऐसे भी पाल सकते हैं।